हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय राइटिंग इट्स ड्यूअलिटी। हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम है मैक्सिमम करना है हमें जेड को, जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है 27x1 प्लस 21x2 प्लस 30x3। एंड जो अपने पास कंडीशंस दी हुई हैं वो अपने पास 3x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी 2 दिया हुआ है, 2। एंड x1 x2 एंड x3 सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। फिर इसको चेंज करने के लिए हमें ये दिया हुआ है, इसको पहले हमें इसकी ड्यूअलिटी चेंज करनी है। तो इसकी ड्यूअलिटी निकालते हैं हम सबसे पहले। सॉल्व ड्यूअलिटी के लिए क्या लगा रहे थे, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कौन सा बनाते हैं। तो मैट्रिक्स ए बराबर होता है, बनाया अपने पास 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2। ये फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पास। और जो एक्स है वो है अपने पास x1 x2 x3, और बी है अपने पास वो है अपने पास b1 क्या है अपने पास 4 4 एंड 2। और अपने पास जो सी है फ्रेंड्स वो है अपने पास 27 21 30। अब फ्रेंड्स इसको ये इस फॉर्म में है अपने पास, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू सी और एक्स का मल्टीप्लाई करें तो सी और एक्स का मल्टीप्लाई करें 27x1 प्लस 21x2 प्लस 30x3 यही आ जाएगा। और सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी। फ्रेंड्स ये अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका हम ड्यूअलिटी जो चेंज करते हैं वो होती है इसकी ड्यूअलिटी मिनिमम ओमेगा डी इक्वल टू होता है अपने पास, इसको जेड डी हम शो कर सकते हैं, जेड डी मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, जो बी है उसका ट्रांसपोज, बी क्या अपने पास 4 एंड 2, इसका ट्रांसपोज हो गया 4 2, रो वाइज होगा जो कि कॉलम वाइज था वो रो वाइज आ चुका है, बी ट्रांसपोज। और ओमेगा क्या है यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग लेने हैं, दो हैं अपने पास, तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे दो रो हैं तो ओमेगा जो कोफिशिएंट होंगे वो दो ही होंगे, ये हो गए ओमेगा 1 और ओमेगा 2। और जो कंडीशंस बनेंगी वो आ जाएंगी सब्जेक्ट टू ए ट्रांसपोज क्या है 3 1 1 1 1 2। इनकी रो को हमने कॉलम में लिख दिया है, जो रो वाइज था उसको कॉलम वाइज लिख दिया हमने, ये ट्रांसपोज हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका जो ड्यूअलिटी होती है वो होती है मिनिमम जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन था तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, क्या अपने पास सी है अपने 27 21 30, ये रो कॉलम है, रो 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 वाइज है तो इसको कॉलम वाइज लिख देंगे 27 21 30। तो फ्रेंड्स इसका ड्यूअलिटी हमारे पास, ये ड्यूअलिटी जो प्रॉब्लम थी वो आ चुकी है, मिनिमम जेड डी इक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2, सब्जेक्ट टू जो कंडीशन आई है वो आई है मेरे पास 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 27 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। फिर ये हमारे पास कंडीशन आ चुके हैं जहाँ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये हमारे पास ये ड्यूअलिटी प्रॉब्लम आ चुकी है। अब इस ड्यूअलिटी को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स इसको ड्यूअलिटी मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन जो इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमें इसमें जो निम्नतम पूर्व अधिकतम पूरक फलन है यानी सरप्लस वेरिएबल जोड़ना होगा। तो सरप्लस वेरिएबल जोड़ेंगे तो वो जाएगा अपने पास मिनिमम जेड डी इक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 एंड इसमें हमें सेलेक्ट सरप्लस वेरिएबल जोड़ना है तो वो हो जाएगा 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2
माइनस एस वन इक्वल टू 27, फिर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू माइनस एस टू इक्वल टू 21, ओमेगा वन प्लस टू ओमेगा टू माइनस एस थ्री इक्वल टू 31, जहाँ ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री एस वन एस टू एस थ्री सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन में चेंज कर लिया, लेकिन हम देखते हैं कहीं भी हम इसमें से अगर इसका हम ए की फॉर्म में लिखें इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास, ए की फॉर्म में लिखें तो ए आएगा 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, ये इस फॉर्म में आएगा, ये जो बन के आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं ए में कोई भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ में हमारे पास 3x3 का कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें कोई ऐसा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बना सकते, तो हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। अभी बेसिस बनाने के लिए इसमें हमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने होंगे, हर रो में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे तो अपने पास प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी मिनिमम जेड डी इक्वल टू 4 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 3, अब ओमेगा 3 प्लस 0 एस 1 प्लस 0 एस 2 प्लस 0 एस 3, ये तो इसके करस्पॉन्डिंग है s1 s2 s3 के। अब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो जुड़ने होंगे उसके उसके लिए हमें माइनस बिग एम मेथड वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, तो बिग एम मेथड वाला जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें यहाँ पे माइनस एम, अब वो अगला जोड़ रहे हैं वो हम जैसे जोड़ लेते हैं कि s4 माइनस एम s5 माइनस एम s6, ये हमने जोड़ लिए फ्रेंड्स, एम s6 तक हम जोड़ चुके हैं, और जो कंडीशन है वो आ जाएंगे हमारे पास 3 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस s1 प्लस s4 जोड़ा है हमने इसमें s4 इक्वल टू 27, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस s2 प्लस इसमें हमें s5 जोड़ा है, तो ये हो गया अपने पास 21, ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा 2 माइनस s3 प्लस s6 इक्वल टू 30, ओमेगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, आई के हर वैल्यू के लिए ओमेगा आई ग्रेटर देन 0 है और आई एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फ्रेंड्स अब ये हो चुका है हमारे पास, अब जब ये हो चुका है तो हम इसमें ए बनाना चाहें तो हमारे पास ए बन सकता है, ए को हम लिखें मैट्रिक्स को लिखें तो वो लिखा जाएगा अपने पास 3 1 1 1 1 2 s1 के कोफिशिएंट -1 इसमें बाकी में 0 है, इसी तरह s2 का इसमें 0 है -1 0 0 0 -1, अब s4 का देखते हैं तो वो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब फ्रेंड्स ये आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है जो कि हम ए को हम लिख सकते हैं α1 α2 α3 α4 α5 α6 α1 2 3 4 5 6 7 8 α7 α8, ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे α6 α7 एंड α8, ये तीनों मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो हम इसको हम बेसिस ले सकते हैं, अब फिर इसको हम बेसिस ले सकते हैं तो हम फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं तो उसमें हमें जो पुट करनी होती है यहाँ पे c b b ओमेगा b b c j, फ्रेंड्स b यहाँ पे इस रो में हमें ये पुट करने के ओमेगा वन वाली रो यहाँ कॉलम यहाँ आएगा, ओमेगा टू ओमेगा थ्री ओमेगा फोर नहीं s1 s2 s3 s4 s5 s6, ये सभी होने चाहिए हमारे पास, और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास क्या है अपने पास 4 2 ओमेगा 3, इसमें फ्रेंड्स नहीं है सॉरी ओमेगा 3 इसमें नहीं है तो इसको काट सकते हैं हम, ये हो जाएगा
थ्री, यहाँ ओमेगा थ्री है नहीं, तो जीरो 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 माइनस एम एंड माइनस एम, ये हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ए को पुट कर देना है इसी कॉलम, जो जो ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, जो अल्फा वन के अकॉर्डिंग अल्फा वन पुट करना है, जैसे 4 3 1 1 1 1 2 -1 0 0 0 -1 0। यहाँ पर हमने ये कर लिया है, यहाँ पे ये S1 आ गए, यहाँ S2 S3 S4 S5 S6, इसको मैं इधर कर लिया है, तो ये हो गया S3 हो गया, यहाँ पे 0 0 -1, S4 के लिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू बी की वैल्यू पुट करनी है, जो बी की वैल्यू क्या है, ये रहे अपने पास 27 21 30 27 21 30। ओमेगा बी में मैं ये पुट करना है S4 S5 S6, जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन बना रहे हैं S4 S5 S6। बी में हमें ये जो जो हमें यहाँ से जो हमारे पास कॉलम थे वो α6 α7 α8, तो α6 α7 α8, और कॉस्ट वैल्यू क्या है फ्रेंड्स हमारे पास -m -m -m, ये है फ्रेंड्स। अब इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं जेड जे माइनस सी जे, तो फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास -m -m एंड -3m, तीनों को सम कर देते हैं, तो यह जाएगा अपने पास -5m -5m+4। अब इसी तरह इसको क्या, तो ये आ गया -4m+2, ये आ गया m m m 0 0 0। फिर से ये आ चुका है हमारे पास। अब हम देखते हैं मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे देखते हैं, तो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है अपने पास, ये अपने पास -m -5m+4, ये सबसे मिनिमम है फ्रेंड्स। तो हमारे पास अल्फा वन जो होगा वो एंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया अल्फा वन एंट्रिंग वेक्टर। अब लिविंग वेक्टर के लिए हम देखते हैं, इसमें से ये आ गया, तो लिविंग वेक्टर के लिए देखते हैं हम, जो मिनिमम एक्स बी आई क्या है, एक्स बी आई मतलब ये वैल्यू, बी की वैल्यू 27/3 इसी कॉलम में से, इसी तरह 21/1 30/1, तो फ्रेंड्स यह आ जाएगा 7 27/3, तो ये आ गया 9। मिनिमम जो था अपने पास 9 है, जो 9 ये किससे रिलेटेड है, इससे, ये इससे रिलेटेड है, तो ये होगा S4 जो होगा वो अपने पास लिविंग वेक्टर हो जाएगा, S4 लिविंग वेक्टर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, अब फ्रेंड्स हम नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें S4 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि S4 जो है वो हमारे RT-PCL से जुड़ा हुआ है, और RT-PCL में माइनस एम वाला है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका हमें आगे कोई यूज़ नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने S4 को हटा दिया। उसके बाद हमने सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए सबसे पहले कॉस्ट वैल्यू, हमारे पास यहाँ पे S4 गया है और अल्फा वन आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा वन आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी कॉस्ट वैल्यू है जो है अपने पास, फिर यहाँ पे हमें मिनिमम मिनिमम जेड डी है, तो इसको हमें मैक्सिमम में बदलना होगा उसके लिए, तो जाएगा मैक्सिमम ZD = -4 ओमेगा 1 -2 ओमेगा 2, बाकी फिर से सेम रहेगा, हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी, ये इस तरह से माइनस पहले इसको मैक्सिमम में चेंज कर लेना है, ये हो जाएगा 4 ओमेगा 1 -2 ओमेगा 2, उसके बाद हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल के अकॉर्डिंग जोड़ना है, तो ये हो जाएगा -4 ओमेगा 1 -2 ओमेगा 2 -m S4 -m S5 -m S6, ये हो जाएगा। तो कॉस्ट वैल्यू यहाँ पे -3 -4 और -3 है, ये हो गया -4 -m -m, ये हो गया अपने पास अल्फा सेवन एंड अल्फा एट, और यहाँ पे अपने पास S5 इस टेबल में देखते हैं S5 एंड S6, तो
एस फाइव एंड एस सिक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ओमेगा वन, यहाँ पे वन बनाना है हमें, तो वन बनाने के लिए पूरे रो में, इस रो में थ्री का डिवाइड करना होगा, तो थ्री का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा नाइन, ये वन, वन बाई थ्री, माइनस वन बाई थ्री, जीरो जीरो, एस फोर वाले को हमने लीव कर दिया है तो ये हो जाएगा जीरो जीरो। अब फ्रेंड्स हमारा जो अगला काम होता है वो होता है हमें इस रो में, इस कॉलम में, सॉरी इस कॉलम में बाकी जो हमें अल्फा बना एंट्री किया है तो इसको हम बेसिस बनाने के लिए बाकी दोनों को जीरो करना होगा, और जीरो हमें इस तरह से करना होगा कि इसमें से कुछ घटाएं। अब जैसे हम इसमें से, अब इसमें से इस रो में से अगर इस रो को घटाएं तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में नाइन माइनस ट्वेंटी वन ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव रहे, ये हमें ध्यान रख के चलना है कि ये हमारे पास पॉजिटिव रहे। इसके लिए हमें करना होगा इस रो में से, सेकेंड रो में से इसकी फर्स्ट रो माइनस कर देते हैं, तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा अपने पास 29 माइनस नाइन इक्वल टू 12, ये जीरो, ये हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन थ्री, टू बाई थ्री, इस तरह माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन, जीरो में से ये हमने माइनस किया तो वन बाई थ्री, ये हो जाएगा अपने पास माइनस वन, जीरो वन जीरो। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हमने तो वन में इसमें से इस रो में से इस फर्स्ट रो को घटा दिया है, तो ये घटाने पे आ जाएगा अपने पास 21 जीरो, फाइव बाई थ्री, वन बाई थ्री, जीरो, माइनस वन, जीरो एंड वन, ये आ गया। फिर से हम जेड से माइनस सी से निकालते हैं, जेड से माइनस सी से निकालते हैं, तो जेड से माइनस सी से निकालते हैं तो फिर आ जाएगा अपने पास ये जीरो हो गया, माइनस फोर ये, और ये जीरो हो जाएगा इस तरह से। फिर इसमें क्या, तो माइनस माइनस एम इंटू टू बाई थ्री, माइनस एम इंटू फाइव बाई थ्री, दोनों का ऐड किया तो माइनस सेवन बाई थ्री, माइनस सेवन बाई थ्री, एम प्लस टू बाई थ्री, ये आ गया माइनस टू बाई, इसको क्या तो माइनस टू बाई थ्री एम प्लस फोर बाई थ्री, ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा एम एम जीरो जीरो। फ्रेंड्स ये अपने पास सबसे नेगेटिव है, तो अल्फा टू तो हमारे पास एंट्री वेक्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो लिविंग वेक्टर होगा उसके लिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम ये इसमें ये लिविंग वेक्टर है, तो लिविंग वेक्टर इस कॉलम में से इसका, इस कॉलम के पार्ट पार्ट बी के जो टर्म है इसका, इसमें डिवाइड करना है हमें, तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन वन बाई थ्री, तो नाइन अपॉन वन बाई थ्री हो जाएगा 27, 12 अपॉन टू बाई थ्री हो जाएगा अपने पास 18, इसी तरह ये हो जाएगा अपने पास 21 अपॉन 5 अपॉन 3, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 3 अपॉन 5। फिर इसमें मिनिमम देखते हैं तो मिनिमम अपने पास यही है 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 इंटू 5, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, एल्फा सिक्स, एस सिक्स से, सॉरी एस सिक्स से या एल्फा एट से जुड़ा हुआ है, तो एस सिक्स जो होगा वो अपने पास लिविंग वेक्टर हो जाएगा। और हम फिर से एक सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, अब फिर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए वही काम करते हैं, सी बी बी ओमेगा बी बी सी जे, ओमेगा वन ओमेगा टू, एस वन एस टू एस फाइव। इस बार हमें एस सिक्स को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस सी हमारे पास पहले लीव कर चुका है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस फोर माइनस थ्री जीरो जीरो जीरो, सॉरी माइनस एम, यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर, एल्फा टू एंट्री क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री माइनस एम, ये हो जाएगा एल्फा वन, ये अपने पास क्या है एल्फा सेवन, एल्फा टू, ओमेगा वन, ये क्या एस फाइव और ओमेगा टू, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको वन बनाना है हमें, तो इसको वन बनाने के लिए इस पूरे रो में इसका डिवाइड करना होगा, तो इसका डिवाइड करने पे ये आ जाएगा अपने पास 63 अपॉन फाइव, जीरो वन, वन अपॉन फाइव, जीरो माइनस थ्री अपॉन फाइव, ये हो गया फ्रेंड्स, जीरो वन, वन अपॉन फाइव, जीरो माइनस थ्री अपॉन फाइव।
अब नेक्स्ट टर्म में हम क्या करना होता है, नेक्स्ट टर्म में हम करना होता है इसके इन टर्म को जीरो बनाना है, इनमें मल्टीप्लाई करना है किसी चीज़ का, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें हम 2 बाई 3 का मल्टीप्लाई करें, 2 बाई 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको घटा दें तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 18/5 0 0 1/5 -1 2/5। इसी तरह इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करके, 1/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद इस रो में से इस रो को माइनस करें, इस वाली रो को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24/5 1 0 -2/5 0 1/5। अब फ्रेंड्स हम फिर से जेड जे माइनस सी जे चेक करते हैं, जेड जे माइनस सी जे, तो जेड जे माइनस सी जे चेक करते हैं तो ये आ जाएगा 0 0 -m/5 +6/5, ये m -2/5 m -2/5। अब फिर से देखते हैं जो सबसे नेगेटिव है वो ये है अपने पास, सबसे नेगेटिव सॉरी फ्रेंड्स ये है, तो α5 जो होगा, s5 जो होगा वो एंट्रिंग वेक्टर होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस लास्ट वाली टर्म को सॉल्व करना भूल गए हैं, इस वाली टर्म को, तो इस वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -m, ये आएंगे 0 1 0, ये उसी तरह से आएंगे जैसे हमने बाकी इनमें जो किया है उसी तरह से इसको करना है। ये α5 s6, फिर s5 जो होगा इस बार एंट्रिंग वेक्टर होगा, और जो लीविंग वेक्टर होगा उसके लिए हम मिनिमम चेक करते हैं, इस कॉलम में जो भी है उनका इसमें डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा मिनिमम आ जाएगा अपने पास। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले को हमें ध्यान लीव कर देना, माइनस वाले को इग्नोर कर देना है हमें, तो इन दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो 24/5 / 1/5 24/5 / 1/5 एंड 18/5 / 2/5। जो इसमें मिनिमम है वो अपने पास 9 है, जो कि अपने पास जो α7 यानी कि s6 से जुड़ा हुआ है, तो s6 होगा वो अपने पास लिविंग वेक्टर हो जाएगा। फ्रेंड्स s6 होगा वो लिविंग वेक्टर हो गया। अब फ्रेंड्स जब s6 लिविंग वेक्टर हो गया तो फिर से हमने फोर्थ सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, फोर्थ सिंपलेक्स टेबल उसका प्रारूप वही होता है cb b ओमेगा b b cj। ω1 ω2 s1 s2 s5। अब फिर s6 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि s6 अब हमारे पास लीव कर चुका है, ये -4 -3 0 0 0, ये अपने पास इसकी कॉस्ट वैल्यू है -4 -3, और इसकी जगह जो इसकी जगह आया अपने पास फिर s5 की जगह आया अपने पास, तो ये हमारे पास -m था, सॉरी ये -m था और ये -2 था, ये था तो ये आया अपने पास माइनस, इसकी जगह आया तो ये इसकी जो कॉस्ट वैल्यू 0, ये -2, ये है अपने पास, ये आ जाएगा α1 α5 α2 ω1 s5। s5 एंटर किया तो s5 एंड सॉरी फ्रेंड्स s5 में s3 है, s3 एंटर किया तो s3 और ये आ गया ω2। और इसको सॉल्व किया हमने तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इसको ये हमारे पास लिविंग वेक्टर था तो इसमें डिवाइड करना होगा हमें 2/5 का पूरी इसमें, तो 2/5 का डिवाइड करने के बाद ये आ गया अपने पास 9 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 0 0 1/2 -5/2 and 1, ये आ जाएगा। फ्रेंड्स इसको हमें 1 बना लिया हमने इसका डिवाइड करने के बाद, s6 को हमने लीव कर दिया इस बार, फिर इसमें हमको 1 बना लिया तो बाकी टर्म को हमें 0 बनाना होगा, इसको 0 बनाना होगा, तो इसमें 1/5 का मल्टीप्लाई करो और उसके बाद माइनस कर दो इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास 3 1 0 -1/2
वन बाई टू एंड जीरो। और इसी तरह इसमें करेंगे तो इसमें हम क्या करना होगा, जीरो बनाने के लिए 3/5 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 18 जीरो जीरो सॉरी 01 यहाँ पे -1/2 -3/2 एंड जीरो, ये हो गया फ्रेंड्स। अब फिर से हम जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं तो वो आ जाता है 0 0 0 1 1। ये फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो जो अपने पास सॉल्यूशन है या ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है अपने पास, मिनिमम मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम जेड डी बराबर मैक्सिमम जेड डी बराबर -4 ω1 -2 ω2। ये भी था -S4 -MS5 लेकिन इस लीव कर चुके हैं तो इससे मतलब ही नहीं है, ये जीरो हो जाएगी। तो -4 ω1 -2 ω2 ये इसमें मैन है, तो माइनस बराबर -4 ω1 -2 ω2 ये है फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें ओमेगा वन की वैल्यू क्या आई है अपने पास, ओमेगा वन की वैल्यू 3। तो -4 × 3 -2 × ω2 18। तो फिर से आ गए अपने पास -48। बट हमें ये मिनिमम जेड डी चाहिए थी, मिनिमम जेड डी इक्वल टू इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 48 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यही हमें मिनिमम एक्स के फॉर्म में चाहिए, तो इसका भी मैक्सिमम ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम जेड इक्वल टू 48 आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।